हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी को लेकर के। आज मैंने बनाया है कचौड़ी। तो कचौड़ी मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। ये कचौड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। कभी अगर हल्की फुल्की भूख लगी हो या फिर मेहमान आ जाए तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। आपको ये बेहद ही पसंद आएगी और मेहमान जब इसे देखेंगे ना तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये कैसे बनाया। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा। तो मैदा का यूज़ करिएगा, इससे अच्छा बनेगा। फिर यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच सूजी। सूजी जो है ना, हमारे नाश्ता को क्रिस्पी बनाएगा। फिर यहाँ पर मैंने लिया थोड़ा सा नमक, अजवाइन, और यहाँ पर मैं डाली थोड़ा घी। घी डालकर हमें इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाइएगा। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम जो है आटा को गूंथेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें आटा को गूंथ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटा को गूंथ लिया है और अब इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं हम आलू की स्टफिंग बनाने। तो गाइस, यहाँ पर मैंने गैस पर डाल दिया कढ़ाई, इसमें डाल दिया तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने दिया, तब मैंने कर दिया गैस को बिल्कुल लो। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, 1/2 चम्मच ज़ीरा डाला है। फिर उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है 2 कट की बिल्कुल बारीक। उसके बाद मैंने अदरक लिया था जिसको मैंने ग्रेट करके लिया था, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया। डाल के हमें इसको बिल्कुल अच्छे से तड़क जाने देना है। फिर उसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी, और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, नहीं तो हल्दी जल जाएगा। फिर इसे भी हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने ना 4 मीडियम साइज़ का आलू लिया था, जिसको मैंने बिल्कुल पूरा बारीक मैंने मैश नहीं किया था, बिल्कुल हल्का हल्का मैंने हाथों से बस तोड़ लिया था, इतना ही मैश किया था। हमें इतना ही मैश करना है, बाकी जो है हम जो आलू को यहाँ पे स्टफिंग बना रहे हैं ना, तो बाकी आलू यहाँ पर मैश हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, और इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यानी कि हमें जो है चलाते हुए हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे आलू और मसालों को हमें भुनना है। तो गैस का फ्लेम तो यहाँ पर मैंने अब तक करा था लो, लेकिन अब मैंने कर दिया है मीडियम। उसके बाद हमें इसी तरीके से हमें इसे चलाते जाना है, और जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लगे ये पक चुका है, आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा, ये बहुत ही चटपटा मसाला बना है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा सौंफ और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और डाल के हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और कर देना है गैस को बंद, और स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मैंने रोटी का, जैसे हम लेते हैं ना लोई, बिल्कुल उसी तरीके का मैंने, उसी साइज़ का मैंने जो है लोई लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लोई बना लिया, सूखा आटा लगाया। उसके बाद हमें जो है इस तरीके से रोटी को बेल लेना है। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें रोटी को बेल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है रोटी को बेल लिया। उसके बाद मैंने इस तरीके का ग्लास लिया जिसे हमें इस तरीके से कट करना है। तो आप चाहे कटोरा, ग्लास, कुछ भी ले सकते हैं, आप कट कर सकते हैं, आप चाहे तो बेल भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ही जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ सभी को रेडी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी को इसी तरीके से बेल लिया है। उसके बाद हम एक पूड़ी लेंगे, उस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा तेल, और उसके बाद हम जो है एक पूड़ी ऊपर से रखेंगे, फिर उसके बाद उसमें लगाएंगे थोड़ा सा तेल, फिर तीसरी पूड़ी भी हम इसमें रखेंगे, और अब हम इसे बेलेंगे। इससे ये थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, और उसके बाद ये आपस में अंदर से लेयर थोड़ी सी चिपक भी जाएगी। तो देखिए गाइस, मैंने लेयर वाली पूड़ी बेल ली है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आलू का स्टफिंग, और फिर उसके बाद हमें जो है इस तरीके से जैसे चुनट बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें जो है बनाते जाना है। तो ये बहुत ही आसान है बनाना। तो गाइस, आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैंने इसमें डाला था आलू, और उसके बाद मेरे हाथों में थोड़ा सा लग गया था, तो मैंने उसको साइड में इसलिए पोंछ दिया क्योंकि ये ऊपर ना लगे तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरीके से हम बना लेंगे दूसरा। तो इसी तरीके से मैंने एक पूड़ी रखी, उसमें तेल लगाया, फिर दूसरी पूड़ी रखेंगे, फिर तेल लगाएंगे, तीसरी पूड़ी रखेंगे, फिर उसे बेलेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्टफिंग, और स्टफिंग डाल के हम इसकी चुनट बनाएंगे। या बनाना बहुत आसान है, आप लोग जब इसे बनाने बैठिएगा ना तो ईजिली आपसे ये बन जाएगा, बहुत आसान है बनाना, ज़्यादा इसमें कोई झंझट वगैरह नहीं है। तो ये देखिए, इस तरीके से चुनट बना लेंगे, फिर आपस में सभी को इस तरीके से जोड़ लेंगे, या फिर इस तरीके से हम चिपका देंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सभी को बना लिया है, और अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस पर मैंने तेल डाल दिया है गर्म होने को,
और यहाँ तेल हो गया है गरम, तो हमें तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो कचौड़ी हमारा जल जाएगा, यानी कि कलर उसका पक जाएगा, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेगी। तो हमें जो है तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, नॉर्मली हमें गरम करना है। और मैंने गैस का फ्लेम मैंने अभी तक हाई करा है, क्योंकि मैंने जो है तेल को ज़्यादा गर्म नहीं किया। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म है तो आप जो है लो कर दीजिएगा और मीडियम पे इसे पकाइएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है, और फिर इसके बाद मैंने जो है सभी को मैंने डाल दिया है, और फिर इसके बाद इसे डालकर हमें जो है फ्राई करना है। तो जिस तरीके से ये नीचे से जब पक जाएगा ना, तो हम इसे पलट देंगे सभी को, और पलटते पलटते हमें इसको बिल्कुल क्रिस्पी करारी सी हमें कचौड़ी फ्राई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इसे करेंगे फ्राई। तो फ्रेंड्स, इसको फ्राई करने में मुझे 3 से 4 मिनट मुझे लग गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इसे पकाते जाएंगे, और यहाँ पर इसका ना कलर काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन मुझे अभी इसे करना है थोड़ा सा और कलर चेंज। ऊपर नीचे से तो पक गया था, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से भी पकाना था, तो इसलिए मैंने इसको पलट दिया है, और उसके बाद हमें इस तरीके से पका लेना। तो यहाँ पर मेरी कचौड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, और मैं इसे निकाल देती हूँ, और निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्रिस्पी करारी कचौड़ी हमारी बनकर रेडी है, और देखिए गाइज़ ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। तो गाइज़ ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, उससे कई ज़्यादा ये खाने में इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसे हल्की फुल्की भूख या फिर मेहमान आ जाए घर पर, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेहमान आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं, अगर आप ये मेहमान के आगे बना के रख देंगे तो। मेहमान भी आपसे बार बार पूछेंगे ये आपने कैसे बनाया। तो गाइज़, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और साथ ही वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दे, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। फिर मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, और अपना याद करिएगा, और इसे बनाइए, इन्जॉय करिए।